वेलकम टू शेफ़नी। आज हम आए हैं बटला हाउस। बटला हाउस में आपको बताएंगे बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई जिसका नाम है हर्षे डेली, जो कि अभी कुछ दिन पहले जिसकी शॉप ओपन हुई अभी अब से 8 से 10 दिन पहले शॉप ओपन हुई। इससे पहले ये रामगढ़ बहुत ज़्यादा फेमस। चलिए आइए देखते हैं क्या है और कैसा टेस्ट है इसका। आपको पहले दिखाएंगे उसको टेस्ट करेंगे अंदर भी हो जब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मिठाई के डब्बों का अंबार लगा हुआ है। ये यहाँ की पहचान है। ये बताता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई है जो कि बहुत दूर दूर तक फेमस है। ये बहुत दूर दूर तक सऊदी के शेख भी इसे खाकर लुत्फ उठाता है। उन्हें भी ये मिठाई बहुत पसंद आती है। इसका नाम है हबशी। चलिए जानते हैं कि ये किस चीज़ से बनता है और ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। ये आज हमें मौका मिला है बटला हाउस में। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि आप यहाँ पर आएँ और एक बार ज़रूर इधर आएँ तो ज़रूर टेस्ट करिएगा प्लीज़। और आप खाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर याद करेंगे कि वाकई में ये कोई चीज़। चलिए मैं सर चलते हैं। अभी मेरे दोस्तों ने सजेस्ट की थी कि आप बटला हाउस चाहिए, वहाँ पर एक हबशी हलवे की दुकान खुली है जो कि रामपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी के लिए हम आए हैं, आप शूट करेंगे, देखेंगे कितना इनका ज़बरदस्त हलवा है। यहाँ के ओनर हैं समर्थ भाई। समर्थ भाई से बात करते हैं, पूछते हैं कि ऐसा क्या जायका है जो रामपुर में ये लाइन लगा कर मिलता है। आइए पूछते हैं भाईजान से। आपका नाम क्या है भाईजान? अच्छा, ये हलवा मतलब कितने रुपए किलो बिकता है भाई? भाई 400 है। अच्छा, 400 वाला में क्या डिफरेंस है और 500 में क्या डिफरेंस है? 500 और जो 400 वाला है इससे थोड़ा सा देसी घी उसमें ज़्यादा होता है और थोड़ा सा मतलब बहुत सी अच्छी रेसिपी बतानी चाहूँगा। Okay, ये सीक्रेट रेसिपी है असल में। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। भाईजान ये मतलब रामपुर से, बेसिकली आप रामपुर से हैं, रामपुर से ही फेमस हुआ? अच्छा अच्छा, तो रामपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है ये। ये भाईजान कितने टाइम से कर रहे हैं इस काम को आप? इस काम को ये जो हमारे सबसे बड़े ओनर हैं। अच्छा, 120 साल पुराना हलवा ये? माशाल्लाह, 120 साल से आपको ये काम चली आ रही है, मतलब ये पीढ़ियाँ कर रही हैं, जनरेशन कर रही हैं। तो आपके मुझे तो लगता है दादा या परदादा ने स्टार्ट किया होगा ये। बटला हाउस से आएंगे आप तो यहाँ पर अली मस्जिद पड़ती है, एक कादरी मस्जिद पड़ती है, तो उसके बीच में ये रोड है, वहाँ पर आपको ये बोर्ड दिख जाएगा, आप शेयर देगा। साथ में है ये बहुत 120 साल पुराना हलवा। ये भाईजान ने बताया 120 साल से इस काम को कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए इसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या ऐसा टेस्ट है जो लोग इसके लिए पागल हो जाते हैं। रामपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है, सऊदी तक ये जाता है हलवा, वहाँ के शेफ़ों को बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए टेस्ट करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मुँह में घुल गई, देसी घी हो गया पूरा, जैसे किसी चीज़ को कहते हैं ना मुँह में रखते ही घुल गई। ये ऐसी मिठाई है कि मुँह में रखते वाकई में घुल जाएगी। आप ज़रूर इसे टेस्ट करना, वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। ये ड्राई फ्रूट डाल रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं।
इन्होंने ड्राई फ्रूट को देसी घी में पहले रोस्ट कर रखा है, उसके बाद ऊपर से देखिए मेरा हाथ देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा देसी घी है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, माशाल्लाह मज़ा आ गया, कभी भी आइएगा ज़रूर खाइएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, आपके और कमेंट्स करिए, आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से अच्छे फूड कंटेंट आपको दिखाते हैं। समद भाई से इजाज़त लेते हुए अब चलते हैं इंशाल्लाह, फिर कहीं किसी और फूड पर मुलाकात होगी, बहुत से डिफरेंट और बहुत अच्छे फूड आपको दिखाने हैं।